राजधानी देहरादून में आरटीए की विक्रम संचालकों और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में विक्रम संचालकों द्वारा जीपीएस लगवाने के संबंध में चर्चा की गई। वहीं इस बैठक के बाद आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि घंटाघर की 1.5 किलोमीटर की परिधि में सभी विक्रम और सार्वजनिक वाहनों पर जीपीएस लगाने को लेकर विक्रम संचालकों ने मांग मांगा है, जिस पर उन्हें 15 जुलाई तक का समय देकर सभी विक्रम सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस लगाने को कहा गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कल काफी विक्रम संचालक और उनके यूनियन के पदाधिकारी ऑफिस में आकर मिले और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जो आरटीए का निर्णय है कि परेड ग्राउंड और घंटाघर पर 1.5 किलोमीटर की परिधि में जीपीएस से लगे हुए वाहनों की मॉनिटरिंग करी जाएगी और जितने भी सार्वजनिक वाहन हैं वो जीपीएस से लैस किए जाएंगे। उसके अंतर्गत उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो जो ट्रैफिक कंजेशन है या ट्रैफिक जैम है उसको दूर करने में परिवहन विभाग और सरकार का पूरा सहयोग करना चाहते हैं। उसके अंतर्गत उनके द्वारा ये भी रिक्वेस्ट करी गई कि हम लोग जीपीएस लगाने को तैयार हैं लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है, हम लोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, हमारे गाड़ियों में जीपीएस शुरू हो रहा है और इसमें थोड़ा अगर हमें समय दे दिया जाए तो हम लोग इसमें आसानी से लगा लेंगे। तो उनकी वार्ता करते हुए उनका प्रपोजल देखा गया है, उनके द्वारा बताया गया कि प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसको 15 जुलाई तक हर हालत में उसमें सब में लगाकर संचालन करना शुरू कर देंगे। और उनके इस जो निवेदन है उसको मैंने आरटीए अध्यक्ष के महोदय रखेंगे और जैसा उनका निर्णय होगा उसका आश्वासन दे दिया जाएगा और साथ में उस दौरान कोई जीपीएस पर चालान वाली कार्रवाई अभी नहीं करी जाएगी।